हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो मैं आप लोगों के साथ में ये वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं ये येलो कलर का आई लुक शेयर कर रही हूँ। ये भी एक एडवांस मेकअप लुक है और येलो कलर से ये बहुत ही सिंपल एलिगेंट लग रहा है। तो आप देखिए, बिल्कुल विंग लाइनर नहीं लगा है, बट स्टिल एक विंग क्रिएट किया है। आप किसी भी कलर के साथ में इस थीम को लेते हुए ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, चलिए वीडियो के अंदर देखते हैं। सो बेस मेकअप मैंने रेडी कर लिया है और आई शेडो बेस के लिए मैंने ये कलर पॉट का 17 शेड नंबर लिया है, जो कि व्हाइट कलर का है, और इसे अपनी लिड पर ड्रॉ कर लेना है। और इसके लिए मैंने ये एक एंगुलर ब्रश लिया है और एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसे इस तरह से ड्रॉ कर ले रही हूँ शेप को, और फिर पूरा फिल कर देना है। ये कलर पॉट बहुत सारे शेड्स में मिलेगा आपको, कफ्स एंड लैशेस पर साइट है, वहाँ से मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा। इसे एज ए फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टूर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से फिल कर लेना है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही थिक है, जिससे कि आप पूरा फुल कवरेज ले सकते हैं और इसे आई शेडो बेस की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई शेप को ध्यान में रखते हुए कंसीलर इस तरह से पूरा लगा लेना है। अब मॉर्फे 35B की पैलेट से मैं येलो कलर पिक कर रही हूँ और इसे एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से अपनी लिड पर अप्लाई कर ले रही हूँ। जब भी आपको बहुत लाइट कलर अप्लाई करना हो, तो आप ध्यान रखें कि आपको जो बेस है वो बहुत ही लाइट कलर का लेना होगा। ये बहुत ही आसान लुक है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एक सिंगल आई शेडो ही ड्रॉ कर रही हूँ, इसे से फिल कर ले रही हूँ। और अब स्टे कुर्की का ये लाइनर है ब्लू कलर का, इसे मैं अपनी आई शेडो का जो ये शेप है उसी को पूरा ड्रॉ कर ले रही हूँ। इस तरह के आईलाइनर लुक में मैं अपर लैश लाइन पर विंग ड्रॉ नहीं करूँगी, जस्ट जो आई शेडो अप्लाई किया है उसी को आउटलाइन करते जाना है। थोड़ा आउटलाइन करते समय ध्यान रखना है, स्लोली स्लोली इसे अप्लाई करना है, जिससे कि शेप खराब ना हो। और अब ये लक्मे का काजल लिया है, जिसे वाटर लाइन एंड टाइट लाइन पर अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद में अगेन मैं मॉर्फे 35B की पैलेट ही ले रही हूँ और इसमें से ये ब्लू शेड पिक कर रही हूँ, डार्क ब्लू कलर है, और इसे अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लेना है एक स्मजर ब्रश की हेल्प से। तो इस तरह से पूरा अप्लाई कर लेना है, जिससे काजल स्मज प्रूफ हो जाता है। और थोड़ा सा ब्लू का अच्छा सा टिंट आ जाए, इसके लिए मैंने अगेन थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर लिया है, ये वाला, जिसे कि देखिए आप बहुत प्यारा सा ब्लू कलर लग रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर भी ब्लू कलर से आउटलाइन की है, इसलिए उसको लुक को पूरा करने के लिए मैंने नीचे भी ब्लू कलर ही अप्लाई किया है। और अब ये लैशेस को कर्ल कर ले रही हूँ और मेबलिन के मस्कारा से अपनी आई लैशेस को, अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस को थोड़ा थिक एंड डेंस बना ले रही हूँ। तो इस तरह से अप्लाई कर लेना है, जिससे कि ये थोड़ा सा वॉल्यूम इनका बढ़ जाता है। और उसके बाद ही फॉल्सीज अप्लाई करनी है। तो फॉल्सीज के लिए मैंने लिया है पैक की 62 नंबर की फॉल्सीज, इसे इस तरह से अप्लाई कर ले रही हूँ। इसी के साथ में ये आई लुक कम्प्लीट हो जाता है और बेस ऑलरेडी मैंने रेडी कर रखा है। और ये ब्रॉन्जर ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की पैलेट से, और इसी का जो हाइलाइटर है उसे भी अभी अप्लाई करूँगी, नोज़ पर कॉन्टूर कर ले रही हूँ। थोड़ा सा शार्प लुक देने के लिए इसी पैलेट से ये हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ चीक बोन के अंडर में, जिससे कि ये थोड़ा सा शार्प लुक देता है। तो इस तरह से अप्लाई कर लेना है। और फेस को नेचुरली हेल्दी दिखाने के लिए मैंने ये ब्लशर लिया है क्रॉयलॉन का, इसके तीनों शेड बहुत अच्छे हैं। मैंने यहाँ पर पीच चूज़ किया है, पीच बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से एक बड़े से ब्रश की हेल्प से इसे अपने चीक बोन पर अप्लाई कर लेना है। तो प्यारा सा कलर निखर के आ रहा है। और हेल्दी ग्लो ऐड करने के लिए अगेन मैंने मेबलिन का ही हाइलाइटर लिया है मोल्टन रोज गोल्ड, तो जो भी हाइएस्ट पॉइंट है फेस के उन पर फैन ब्रश की हेल्प से इस तरह से अप्लाई कर ले रही हूँ। और नोज़ को भी लिफ्टेड दिखाना है तो नोज़ पर भी, और इसी को मैं अपनी ब्रोबोन एंड इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई कर ले रही हूँ। और लिपस्टिक के लिए मैंने फेसेस कनाडा की लिपस्टिक ली है, साथ ही साथ ये एसेंस का लिप ग्लॉस लिया है। तो इस तरह से ये एक क्रेयॉन है, बहुत ही प्यारा सा मैट कलर आता है। और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैक का सेटिंग स्प्रे लिया है, जिससे कि ये मेकअप पूरा सील एंड लॉक हो जाता है। और अब ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। ईयर रिंग्स डाले हैं मैंने टेसल वाले, जिसमें कि मल्टी कलर लगे हुए हैं, और ये लुक को कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लुक अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल है, अपर लिड पर एक ही आई शेडो को अप्लाई करके आपको जस्ट शेप को ड्रॉ कर देना है। तो थोड़ा डिफरेंट लुक मैंने ट्राई किया है। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किए हैं उन सभी के डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसे आप परचेज कर सकते हैं। और इस पैंडेमिक के टाइम पर आप लोग भी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, स्टे स्टाइलिश। जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।